नमस्कारम। आज फिर हम बात कर रहे हैं एक महत्वपूर्ण प्रश्न के विषय में, जो कि हमारे विद्यार्थियों के द्वारा अधिक पूछा गया, और यह हमारे विद्यार्थियों के लिए, अन्य प्रत्येक उस व्यक्ति के लिए जो कि अपने जीवन के लक्ष्य को सही प्रकार से निर्धारित नहीं कर पा रहा है, वह चाहे किसी भी आयु वर्ग का हो, उसके लिए यह बड़ा ही महत्वपूर्ण है। क्योंकि मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को देखता हूँ जो कि अपने जीवन में उन कार्यों को कर रहे होते हैं जिनके लिए शायद वो बने ही नहीं हैं, जहाँ पर उनकी योग्यता नहीं है या फिर उनकी रुचि नहीं है। वो मन से परेशान रहते हैं उन कार्यों को करने में, लेकिन फिर भी वो उन्हीं कार्यों को किए जा रहे हैं, क्योंकि इससे पूर्व के समय में जब उनके जीवन के निर्माण का समय था, शायद वो तब सजग नहीं हुए, तब उन्होंने कुछ वृत्तियों से प्रेरित होकर के अपने लिए कुछ ऐसे निर्णय ले लिए जो कि जीवन पर्यंत उनका अब पीछा कर रहे हैं। तो इसी विषय पर हम चर्चा कर रहे हैं। हम अपनी इस वीडियो की विषय वस्तु को तीन भागों में विभाजित कर सकते हैं। प्रथमतः हम बात करेंगे कि हम अपने लक्ष्यों को निर्धारित क्यों नहीं कर पाते हैं। दूसरे विषय में हम बात करेंगे कि अपने लक्ष्य को कैसे पहचाने कि यही लक्ष्य मेरे लिए उपयुक्त है, मुझे इसी दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। और तीसरा विषय हमारा होगा कि लक्ष्य प्राप्ति के बाद भी क्या इस बात की प्रामाणिकता है कि उस लक्ष्य को प्राप्त कर लेने के बाद हमें शांति मिलेगी, संतोष मिलेगा, सुख मिलेगा, और अगर नहीं तो ऐसा हमें क्या करना चाहिए जिससे कि हमारे जीवन की जो व्यवस्था है वो सही प्रकार से बनी रहे। तो हम अपनी आज की चर्चा को शुरू करते हैं। सबसे पहले जो हमारा विषय है कि क्यों हम लक्ष्य को निर्धारित नहीं कर पाते हैं, तो उसका सबसे बड़ा कारण है कि हम वृत्तियों के अनुरूप सोचते हैं। दरअसल हमारे शास्त्रों में ऐसा हर प्रश्न का जवाब है, अगर हम सही से विवेक का प्रयोग करते हुए ढूंढें और देखें, समझने की कोशिश करें, तो सब चीज़ों का हमें उत्तर मिल सकता है। क्योंकि इस भौतिक संसार में जो हम प्राप्त करना चाहते हैं, और अगर हम उस परम पद को प्राप्त करना चाहते हैं, तो उसके सिद्धांत लगभग लगभग एक जैसे होते हैं। हाँ, आध्यात्म के मार्ग में अधिक शुद्धता की आवश्यकता है, भौतिक मार्ग में उतनी शुद्धता की आवश्यकता नहीं है, लेकिन एकाग्रता की आवश्यकता दोनों ही स्तर पर है। तो क्या आपके लिए मेरा सुझाव है कि वृत्तियों के आधार पर नहीं सोचना है अपने जीवन में आगे बढ़ते हुए, लक्ष्य को निर्धारित करते हुए। उदाहरण के रूप में आपसे मैं समझाता हूँ, जिस प्रकार से कोई व्यक्ति होता है, मैंने ऐसे बहुत सारे विद्यार्थियों को भी देखा है जो कहते हैं कि हम अमुक कॉलेज में पढ़ना चाहते हैं, वहाँ पर मेरा एक मित्र पढ़ रहा है और वहाँ पर तो बहुत सारी सुविधाएं हैं। अगर उनसे पूछते हैं कि क्या सुविधाएं हैं, कि वहाँ पर बहुत स्वतंत्रता है, वहाँ के हॉस्टल में बड़ा आराम है, और सबसे ज़रूरी बात जो उन्हें लगती है कि वहाँ पर भोग विलास के सभी संसाधन उपलब्ध हैं, इसीलिए वो ये नहीं सोचते हैं कि मेरे जीवन का क्या, एक मेरे जीवन की दिशा होनी चाहिए। वो केवल उन कुछ क्षणिक सुखों के कारण उस कॉलेज में जाना शुरू कर देते हैं। वहाँ पर वो जिस स्तर की पढ़ाई करते हैं वो एक अलग विषय है, लेकिन वहाँ केवल उन्होंने अपनी वृत्ति के आधार पर सोच करके उस दिशा में एक कदम ले लिया, जो वो एक कदम उनके पीछे अब लंबे समय तक पड़ा रहेगा, शायद जीवन पर्यंत पड़ा रहेगा। तो अपने आप को समझा नहीं उन्होंने, उन्होंने ये नहीं सोचा कि आज मुझे कुछ मुश्किल हो सकती है उस काम को करने में जो मेरे लिए उपयुक्त है, जहां मेरी योग्यता है, लेकिन मैं आज सही विवेक से अपने आप, अपने अंदर झांक करके, अपने से जुड़ करके ये जानना समझना चाहता हूं ऐसा क्यों हुआ। वो महर्षि ने बताया है योग दर्शन में कि वृत्ति सारूप्य मित्रत्र, कि हम वृत्तियों के आधार पर ही अपने आप को देखने लगते हैं। जैसी मन में एक इच्छा उठी, उसी के पीछे कार्य करना शुरू कर दिया, फिर दूसरी कोई इच्छा उठती है, फिर मन बहुत सारे विकल्प देता है कि तुम्हारे लिए यही कार्य ठीक है, क्योंकि अभी आप केवल अपने कुछ क्षणिक सुख के आधार पर सोच रहे हो। आप अपनी योग्यता, क्षमता, एक स्थायी सुख, एक शांति, जो आप विशाल कुछ अपने जीवन में कर सकते हैं, उसके विषय में अभी आप सोच ही नहीं रहे हो, कोई केवल क्षणिक सुख। एक उदाहरण मेरे गुरुजी ने दे करके बताया था। सबसे पहले तो उन्होंने कहा कि वृत्ति आप इस प्रकार से समझ सकते हैं जैसे कोई टॉर्च होती है, और उस टॉर्च का प्रकाश जैसे हम उसे ऑन करते हैं तो कहीं पर जाकर के पड़ता है, सामने अंधेरा है, तो जहां पर वो वृत्त बनेगा, गोला बनेगा, उसके अंदर आने वाली चीज जो है वो प्रकाशित हो जाएगी और आसपास की सभी चीजें धूमिल पड़ जाएंगी। इसी प्रकार से वृत्ति है, जब हम किसी वृत्ति से प्रेरित होते हैं तो हम सब चीजों को सही प्रकार से मूल्यांकन नहीं कर पाते और केवल उसको देखते हैं जो उस वृत्ति को संतुष्ट वाला एक भाव होता है, केवल वहीं पर हमारी एकाग्रता लग जाती है। साथ ही साथ एक और महत्वपूर्ण बिंदु है
कि लापरवाह नहीं होना है जीवन में। अपने लक्ष्य को आपने निर्धारित कर भी लिया, अपने आप को कुछ समझ भी लिया, लेकिन फिर बहुत सजगता से उस पर चलने की ज़रूरत थी, और अधिक समझने की ज़रूरत थी, कैसे आगे बढ़े समझने की ज़रूरत थी, लेकिन फिर हम लापरवाह हो जाते हैं। एक छोटा सा फिर से उदाहरण देता हूँ। गुरुजी मेरे कहते थे कि जैसे बंदर होता है तो वो किसी सांप को पकड़ लेता है, तो सामने से मुंह को सांप के पकड़ लेता है और उसको रगड़ता है भूमि पर, उसको रगड़ता है और रगड़ के फिर से कान में लगा करके सुनता है कि कहीं उसका कोई सांस बाकी तो नहीं है, और अगर कोई सांस बाकी होता है तो दीवार में, कहीं पेड़ पे, कहीं भूमि में उसे फिर रगड़ता है और फिर देखता है कि कहीं कोई सांस तो नहीं चल रहा है। यानी कि जब तक उसे थोड़ा भी संदेह रहता है तब तक वो इतना सजग रहता है कि मैंने इसे छोड़ा और मुझ पर ये वापस प्रहार हमला न कर दे तो उसके लिए वो सजग है, बार बार वो देख रहा है। इसी तरह से बार बार जीवन में ये देखने की ज़रूरत है कि क्या ये मार्ग जिस पर चल रहा हूँ ठीक है, क्या ये मार्ग मुझे वो सब संतुष्टि, वो सब मेरा आनंद जीवन का, वो ऊर्जा, और क्या इसको करने के बाद मुझे एक एक जो सुख की अनुभूति होनी चाहिए कि हाँ मैंने जो किया है उससे मुझे प्रेम है, मेरा कार्य मेरे लिए प्रिय है, उसका जो परिणाम आता है उससे भी अधिक मुझे कार्य प्रिय है। अगर ऐसा भाव नहीं आता है तो समझें कि आप गलत मार्ग पर हैं। तो इस सजगता के साथ, निरंतर सजगता के साथ आगे बढ़ने की हमें ज़रूरत होती है। अब थोड़ा सा अगर और आगे बढ़ते हुए मैं कहूँ तो आप देखें कि जो भी आपने अब लक्ष्य निर्धारित किया है, जितनी भी सजगता आपने रखी, आपने अपने आप को थोड़ा साध लिया, मन पर नियंत्रण हो गया आपका अभी, और आप अब किसी वृत्ति से प्रेरित होकर के नहीं, आप निष्पक्ष भाव से अपने साथ जुड़ करके ये देख रहे हैं कि मेरी ऊर्जा, मेरी क्षमता कहाँ है, कहाँ आज से पहले मैंने कभी जीवन में जो कार्य किया, कौन से वो कार्य थे जिसमें मैंने सबसे अच्छे से मैं उनको कर सका, जिसके लिए दूसरे व्यक्तियों ने भी मुझे प्रोत्साहित किया, जिसको करने के बाद एक संतुष्टि भी मुझे अनुभव हुई, और जिसमें मैं ऐसा भी मैंने अनुभव किया कि इस क्षेत्र में मैं बहुत सारी नई चीज़ें कर सकता हूँ और ऐसा बन सकता हूँ कि दूसरे व्यक्ति मुझसे प्रभावित हों। ऐसा हर एक व्यक्ति के अंदर कुछ ना कुछ विद्यमान है, बस थोड़ा समझने की ज़रूरत है। जब किसी कार्य की तरफ आप बढ़ें और मन आपका ये कहें कि यही वो कार्य था, यही वो चीज़ है जहाँ पर मुझे अपनी पूर्ण क्षमता लगानी है, तो आप बहुत सौभाग्यशाली हैं, आपने उस चीज़ को अपनी पकड़ लिया जिसके आधार पर अब आपका राष्ट्र, आपका परिवार, आपका क्षेत्र आपके ऊपर गौरव कर सकता है, आप सबके लिए प्रेरणा का एक कारण बन सकते हैं। अब थोड़ा सा और अगर इस विषय में मैं आपको बताऊं तो बहुत सारे प्रश्न आते हैं कि चलिए हमने अपने आप के को जानने की, समझने की कोशिश की, अपने लक्ष्य को हमने निर्धारित भी कर लिया, अब हम उस पर आगे बढ़ भी रहे हैं, लेकिन वो पहला कदम क्या होना चाहिए अब उस लक्ष्य पर आगे बढ़ने के लिए? सबसे पहला कदम किसी भी लक्ष्य के चुनाव के बाद पहला कदम है उस विषय में, जो भी विषय आपका है, उस विषय में आपकी योग्यता का विकास। अगर आपने किसी विषय के चुनाव के बाद उस पर सीधा एकदम से कार्य करना शुरू कर दिया, कुछ लोग करते हैं कि मुझे ये कार्य बड़ा अच्छा है, मेरे लिए उपयुक्त है, हाँ आपके लिए उपयुक्त है, लेकिन आपने उसमें बहुत सारा निवेश कर दिया, बहुत सारा धन उसमें एकदम से लगा दिया, और फिर आप सोचते हैं कि मैं असफल क्यों हो गया, क्योंकि आपने उसके बारे में ज्ञान अर्जित नहीं किया, और ज्ञान के बिना आत्मविश्वास भी नहीं आएगा और कार्य सिद्धि भी नहीं होगी। तो सबसे पहले आप उस बारे में पढ़ें, सबसे पहले उस विषय में नया कुछ क्या किया जा सकता है इस तरफ भी देखें, क्या क्या संभावनाएं हैं उस क्षेत्र में देखें, और कुछ नया, कुछ विशेष करने की कोशिश करें, तभी आप दूसरे व्यक्तियों के लिए कुछ कुछ नया दे करके जाएंगे और ये कहा जाएगा कि हाँ आपने कुछ कॉन्ट्रीब्यूट किया है उस चीज़ में। तो ये भी बड़ा ही जरूरी है। और इससे आगे जो एक और बिंदु हमारा है, अंतिम बिंदु है, अगर मैं इसके बारे में बात करूँ कि हमने कोई लक्ष्य निर्धारित कर लिया, हम आगे बढ़े, हम उसमें सफल हो गए, हमने बड़े अच्छे से सब कार्य किए, तो इससे आगे का क्या विषय है? जो शास्त्रों में बताया गया है उसी के आधार पर कहता हूँ कि प्रथमे नार्जिता विद्या, द्वितीये नार्जिता धनम, तृतीये नार्जिता कीर्ति, चतुर्थ किम करिष्यति, कि जिसने जीवन के प्राथमिक कदम में विद्या को अर्जित नहीं किया, द्वितीय कदम में जिसने धन को अर्जित नहीं किया, तृतीय कदम में जिसने अपने चरित्र को विकसित नहीं किया, अब जिसने कीर्ति को अर्जित नहीं किया, चतुर्थ किम करिष्यति, कि वो चौथे कदम में ही जीवन के क्या कर सकता है, क्योंकि उसने पहले कदम में ही अपने आप को सफल नहीं बनाया, अपने आप को उस योग्य नहीं बनाया। तो सबसे पहले क्या बात है कि अपने चरित्र पर ध्यान देना होगा, क्योंकि ऐसे कितने ही लोग आप देख सकते हैं कि जो सब कुछ अच्छा कर रहे हैं, सब कुछ बेहतर कर रहे हैं, लेकिन जीवन में कुछ ऐसा कार्य कर दिया, अपने चारित्रिक अवगुणों के कारण ऐसा कार्य कर दिया कि फिर वो सीधे नीचे आ जाते हैं।
ऐसा हमें नहीं करना है। ऐसा मैं अपने नवयुवकों के लिए बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं करता हूँ कि वो चारित्रिक रूप से अपने आप को सक्षम नहीं, सबल नहीं बना पाएंगे और वो इस प्रकार के कुकृत्यों में संलग्न रह करके समय को नष्ट करेंगे। तो फिर आप चाहे जितना मर्जी प्रगति कर लें, जितना मर्जी आप मेहनत कर लें, फिर से आप नीचे आ जाएंगे निश्चित रूप से। इसीलिए चारित्रिक गुणों को सदा हमें बनाए रखना है। और थोड़ा सा और आगे अगर मैं आपको बताऊं तो धन अर्जित करने के बाद भी, लक्ष्य को प्राप्त कर लेने के बाद भी, आपको ऐसे बहुत सारे व्यक्ति मिल जाएंगे जो कहते हैं कि जब तक हम उस प्रोसेस में थे तब तक हमें अच्छा लग रहा था, लेकिन बाद में उस लक्ष्य पर पहुंच जाने के बाद भी हमें कोई विशेष अनुभूति नहीं हो रही है, हमें लग रहा है जी कि जैसे जीवन निरसा हो गया है। ऐसा क्यों होता है? तो इसका सीधा सा कारण यही है कि आत्म केंद्रित हैं हम। हमने केवल अपने विषय में तो सोचा लेकिन समग्रता के विषय में नहीं सोचा, दूसरे के हित के विषय में नहीं सोचा। हम समाज में, राष्ट्र में क्या अपना सहयोग दे सकते हैं और जिन योग्यताओं को हमने अर्जित किया है क्या वो केवल मेरे लिए ही हैं, क्या हमारे परिवार का, हमारे समाज का, उससे ऊपर बढ़ें तो उन व्यक्तियों का जिनको उसकी ज़रूरत है क्या उनके लिए ये योग्यताएं नहीं हैं? वास्तव में हम सभी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और अगर आप जीवन में वो संतोष अनुभव करना चाहते हैं तो दूसरों के लिए कुछ करके देखें। इसीलिए शास्त्रों में कहा गया है कि धनाद धर्मस्ततः सुखम, कि जब धन का प्रयोग आप धर्म के कार्यों में करोगे तभी आपको अनुभव होगा कि मैं सही मार्ग पर आगे बढ़ रहा हूं। ऐसे बहुत सारे मेरे नवयुवकों के भाव भी रहते हैं कि हम राष्ट्र के लिए कुछ करना चाहते हैं, लेकिन तभी आप राष्ट्र के लिए कुछ कर सकेंगे जब आप खुद सक्षम बनेंगे। मैं बार बार यही संदेश सबको देता हूं कि सबसे प्रथम, सबसे प्रमुख दायित्व जो हमारा है वो हमारे खुद के लिए है। हमें खुद सक्षम सबल बनना है तभी हम दूसरों के लिए कुछ कर सकते हैं। इसी युवा सशक्तिकरण के लिए मैं कार्य करता हूं, इन्हीं अपने युवाओं के मार्गदर्शन के लिए। एक एक प्रश्न आपका मेरे लिए महत्वपूर्ण होता है, मैं आपके प्रश्नों के आधार पर चर्चा करना चाहता हूं, लेकिन समय का अभाव और बहुत सारे कारणों के कारण सभी कुछ प्रश्न ऐसे छूट जाते हैं, लेकिन उन प्रश्नों को भी मैं अपनी वीडियोज में कुछ ऐसे टॉपिक, अगर 100 प्रश्न हैं, 100 प्रश्नों का एक जैसे 100 प्रश्न है तो उनका उत्तर हो सके, इसलिए मैं इन वीडियोज को लेकर के आता हूं। आप इन वीडियोस को साझा करते हैं अन्य बंधुओं में, सभी का लाभ होता है उससे, ये मेरे लिए अत्यंत प्रसन्नता का विषय है। तो यही तो हमारी जो एक अवधारणा है सनातन संस्कृति की, कि अयम निज परो वेति गणना लघु चेतसा नाम उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम, कि हम अपने सभी बंधुओं को कुटुंब के समान सोचते हैं। तो यही तो हमारी व्यापकता है सोच की और दृष्टिकोण की। तो सभी का हित हो इस आधार पर आप इन्हें साझा अवश्य करें। और एक जो अंत में मैं महत्वपूर्ण बात कहूँगा कि आप स्वयं सक्षम बनेंगे तभी आप दूसरों को कुछ दे सकेंगे। तो निरंतर अपनी योग्यताओं का विकास करें। कोई व्यक्ति है कि उसे आर्थिक रूप से दूसरे की सहायता करना पसंद है तो अर्थ को अर्जित करें। किसी व्यक्ति को शारीरिक परिश्रम से और मेहनत से आगे बढ़ने का शौक है और वो जज्बा है तो वो उस स्तर पर कार्य कर सकता है। किसी को ज्ञान के माध्यम से दूसरे की सहायता करने का जो है उसके मन में भाव है तो वो ज्ञान को अधिक से अधिक अर्जित करें। जब आपके पास बहुत कुछ हो जाएगा तो आप 10% भी उसका संप्रेषण कर सकेंगे, वो भी दूसरों के लिए बहुत कुछ हो जाएगा, लेकिन सबसे पहले स्वयं अर्जित करना पड़ेगा आपको। तो ये छोटे छोटे कुछ संदेश थे, हमने 3 विषयों पर बात की है। आज इन तीनों विषयों को अपने जीवन में लेकर के आएं। अगर आपके कोई प्रश्न रहते हैं तो निश्चित रूप से आप रख सकते हैं और उन प्रश्नों के आधार पर हम आगामी चर्चाओं में उन प्रश्नों को निश्चित रूप से लेंगे। इसी प्रकार साथ में बने रहने के लिए और अच्छे विषयों पर, अच्छे अपने जीवन में परिवर्तन लाने के लिए सृजनात्मक, आप सभी को साधुवाद, सभी के प्रति प्रेम और मंगल कामना। आज के लिए इतना ही। ओम नमः शिवाय।